दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस पेशी पर लाए और खुलेआम छोड़ा। चालानी गार्डों की लापरवाही आई सामने। कामा कस्बा के नला बाजार में कई वर्ष पहले न्यायाधीश के पिता व भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाश, जिन पर 1,00,000 रुपए का इनाम था और उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जहां कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तब से दोनों बदमाश सेंट्रल जेल जयपुर में सजा काट रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को उनको कामा कोर्ट में पेशी कर लाया गया, जहां पुलिस की लापरवाही सामने आई। कोर्ट में पेशी पर आए दोनों बदमाशों को पुलिस चालानी गार्डों ने खुलेआम छोड़ दिया, जहां उनके परिजनों ने अकेले में ही उनको खाना खिलाया, जहां से वे दोनों भाग भी सकते थे। और इस पूरे मामले का फोटो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिए। जब बाद में लापरवाही के इस मामले में पेशी कर लेकर आए पुलिस अधिकारी से सवाल पूछे गए, तो वे वहां से चुप्पी साध कर मुलजिमों को लेकर भाग निकले। दरअसल पेशी पर आए दोनों मुलजिम पदम व डालचंद आपस में भाई हैं, जबकि इनके दो सदस्य भाई प्रवीण व परशुराम अभी तक फरार चल रहे हैं। उधर पीड़ित न्यायाधीश का भाई राजेंद्र प्रसाद, जो कामा न्यायालय में अधिवक्ता है, उसने बताया कि दोहरे हत्याकांड के दोनों मुलजिमों को कोर्ट में पेशी कर लाया गया, लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरती और उन दोनों को कोर्ट में भी खुले में छोड़ दिया। वह परिजनों ने उनको अकेले में बिठाकर खाना खिलाया, जो गलत है। चालानी गार्डों की लापरवाही की वजह से आरोपी न्यायालय से भाग सकते थे। चालानी गार्डों द्वारा आरोपियों को खुलेआम छोड़ दिया, जो लापरवाही पूर्ण रवैया है। 29 जुलाई 2010 को हमारे घर पर और मेरे कार्यालय में घुसकर मुलजिमान पदम, दालचंद, परशुराम, बबलू, मीरा, विजय ने अदादुन गोलियां चलाई थी, जिसमें मेरे पिता और मेरे अधिवक्ता भाई की मौके पर ही तत्काल मृत्यु हो गई थी, तथा मेरे भी, मेरी पत्नी के और मेरे छोटे भाई की पत्नी के गोलियां लगी थी। उस मुकदमे में सीबीआई ने दो मुलजिमानों को 2 वर्ष पश्चात गिरफ्तार किया था, जिन पर 1,00,000 रुपये का इनाम था। उनको सीबीआई न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा सुनाने के बाद आज उनको दूसरे केस में पुलिस लेके आई थी, तो उन्हें खुलेआम यहाँ छोड़ दिया गया और घर का खाना खिलाया गया है। और चालानी गार्ड बिल्कुल इस घटना के प्रति लापरवाह था, क्योंकि उनके दो भाई अभी फरार हैं, जिन पर सीबीआई द्वारा 5,00,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है।